इस प्लॉट के मिडल में ये एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं जिसकी डायमेंशन क्या दे रखी है लेंथ दे रखी है ट्वेंटी मीटर और ब्रेथ दे रखी है मीटर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस तो जो एरिया बचा है उसमें वो गार्डन बनाना चाहती हैं फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस हमें कॉस्ट निकालनी है कि गार्डन बनाने की कितनी कॉस्ट लगेगी हाउस के चारों तरफ अगर गार्डन बनाना है अगर गार्डन बनाने का रेट फिफ्टी फाइव रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है मतलब एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर फिफ्टी फाइव रुपीज़ है तो हमारा इस पूरे गार्डन को बनाने की कॉस्ट क्या लगेगी तो अगर आप देखेंगे प्लॉट में से अगर हाउस का एरिया माइनस कर दें तो बचा हुआ पार्ट पता चल जाएगा और बचा हुआ पार्ट हमारा निकलते ही हम गार्डन की कॉस्ट निकाल सकते हैं या तो हमें गार्डन की डायमेंशंस दी हुई होती क्योंकि यहाँ पे गार्डन की डायमेंशंस नहीं दी हुई तो हमें क्या करना होगा प्लॉट के एरिए में से हाउस का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें बचा हुआ एरिया पता चल जाएगा तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम प्लॉट की बात कर लेते हैं प्लॉट क्योंकि स्क्वायर है और उसकी साइड दे रखी है हमें ट्वेंटी फाइव मीटर राइट और साइड पता चलते ही हम एरिया ऑफ प्लॉट निकाल सकते हैं तो एरिया ऑफ प्लॉट आ गया हमारा जो कि कितना होता है साइड इनटू साइड और साइड है हमारी ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव तो ये कितना आ गया देखिए ट्वेंटी फाइव की ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई की फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव टू जो टेन इलेवन टू फाइव जो टेन कैरी वन टू टू जो फोर एंड फाइव ये आ गई सिक्स टू फाइव तो सिक्स टू फाइव और क्योंकि यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है तो मीटर स्क्वायर अब इसी तरीके से हम हाउस का एरिया निकाल लेंगे तो हम हाउस की बात करें तो हाउस हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो लेंथ कितनी दे रखी है हाउस की दैट इज ट्वेंटी मीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है ब्रेथ दे रखी है फिफ्टीन मीटर राइट तो अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ हाउस निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ हाउस जो कितना आएगा दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में था तो ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन तो ये कितना आ गया थ्री हंड्रेड स्क्वायर यूनिट होती है तो मीटर स्क्वायर अब हमें हाउस की लेंथ ब्रेथ से एरिया पता चल गया और हमें प्लॉट का एरिया पता चल गया राइट right? ये हमारा प्लॉट का एरिया है और ये हमारा हाउस का एरिया है तो हम गार्डन का एरिया इजीली निकाल सकते हैं तो एरिया ऑफ गार्डन गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ प्लॉट में से हम एरिया ऑफ हाउस माइनस कर देंगे फिर से बता रही हो टोटल पूरे प्लॉट के एरिए में से ये जितने में हाउस बना है वो एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा गार्डन का एरिया आ जाएगा तो देखिए प्लॉट का था सिक्स टू फाइव और हाउस का एरिया था थ्री हंड्रेड तो ये कितना आ गया ये आ गया हमारा थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वायर राइट ये हमारा गार्डन का एरिया आ गया अब हमें एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है तो हम यहां लिख सकते हैं वन मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग डेवलपिंग गार्डन इज गार्डन इज रुपीज फिफ्टी फाइव रुपीज दे रखी है राइट right? तो हम इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल सकते हैं तो थ्री टू फाइव मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन कैसे निकालेंगे आप देखिए एक की कॉस्ट दे रखी है ज़्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमने किया थ्री टू फाइव को 55 से मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 325 को हम 55 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 फ़ाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव टू जो टेन इलेवन टवेल्व फाइव थ्री फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेम वैल्यूज़ दोबारा से आ जाएंगी तो ये आ गया फाइव सेवन एट सेवन वन तो इसका मतलब हमारा रुपीज़ में आएगी ये वैल्यू तो कितना आ गया वन सेवन एट सेवन फाइव दैट मीन्स सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव रुपीज़ लगेंगे थ्री मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने के लिए आंसर